के 35 मिनट हो रहे हैं इस वक्त और अभी हम हैं अपने घर में। अभी हम चलेंगे अपने खेत खलिहान तरफ घूमने टहलने के लिए। और इस सीज़न जो है कुकड़ी पुटू का सीज़न चल रहा है, तो हम जो है कुकड़ी पुटू ढूंढने की तलाशी करेंगे। जो कुछ भी मिलता है तो उसको आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी जो है हमारा चाय नाश्ता पानी सारा चीज़ हो गया। और ये देखो लड़का स्कूल जाने के लिए जो है तैयार हो रहा है कि मम्मी जो है इसको तैयार करेगा। ठीक, और अभी हम चलते हैं अपने खेत खलिहान तरफ घूमने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और कल हमने एक पुटू वाला ब्लॉग डाला है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं, सुबह का टाइम है, कोई दोस्त यार बच्चे लोग मिल जाएंगे तो उन लोग के साथ जो है ढेर ज़्यादा खुकड़ी पुटू उठाएंगे। ठीक, इधर देख सकते हैं गांव में खेती किसानी चल रहा है, ये देखो। तो ये देखो अभी जो है अचानक धूप निकल गया। ठीक है, इधर से कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, ऐसी मौसम जो है चल रही है। तो अभी हम आए हुए हैं अपने इधर खेत खलिहान तरफ टहलने के लिए। तो देख रहे हो बच्चे लोग पुटू उठा रहे हैं लेकिन ये बूढ़ा पुटू नहीं है, ये पुटू से भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्वाद लगता है, जिसको हमारी जो देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो चीरको खोखड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पुटू का सीज़न है और पुटू से भी बेस्ट जो है ये चीरको लगता है। तो देख सकते हैं इधर बच्चे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हैं और सब लोग जो है उठाने में लगते हैं, लगे हुए हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखो सभी लोग जो हैं उठाने में लगे हुए हैं। ये बिकेश, इसको बोला जाता है चीरको खुकड़ी। इधर देखो ये देखो इधर भी देखो। तो ये सब्जी जो है काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगता है। ठीक है, देखो काफ़ी छोटा छोटा होता है ये देखो, और ये इसी पत्ते में जो है इसको रख रहे हैं और इसको चीरको खुकड़ी बोला जाता है। भाचा लमरई नहीं है गाजे में तैर की रे, ये दे भाचा कर देख तो बढ़िया टोड़ा हो। इधर देखो काफ़ी सारा चीरको खुकड़ी जो है उठा है, देखो भाई लोग ये देखो, ये इधर होगा जी, इसको तार के देखो। ये देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो भाई चीरको खुकड़ी इस प्रकार से होता है। और ये खुकड़ी जो है ये मशरूम, आप लोग सुने होंगे मशरूम के जैसा जो है इसकी स्वाद लगता है, तो काफ़ी बेहतरीन भाई चीरको खुकड़ी। भी जो है पुटू का भी सीजन चल रहा है और जिधर पहाड़ी हैं पतवार हैं उधर जो है पुटू जो है काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हैं। हमारे इधर उस टाइप सा है नहीं, कहीं कहीं जगहों पे जो है पुटू हमारे इधर भी उगते हैं लेकिन अभी पुटू निकलना जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। तो वैसे ये देखो ये घोड़ा प्लांट है, ये इसमें कुछ राहड़ उड़द वगैरह बोते हैं इसमें, तो जस्ट मेड़ में जो देख सकते हैं ये बच्चे लोग जो हैं पुटू चीरको खुकड़ी उठाने में जो है लगे हुए हैं। कहाँ का कतक उठाते हैं अच्छा हैं? दिखा, ये देखो भाई ये चीरको खुकड़ी। ठीक है, तो काफ़ी साफ सुथरा इन्होंने उठाया है हालांकि। और इधर तुम्हारा दिखाओ, ये देखो ये खुकड़ी भाई मशरूम
मशरूम आप खाए होंगे, मशरूम कुकड़ी, तो उसी के जैसे जो है ये स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल मुर्गा की तरह। ठीक है, तो इसको इधर दिखाओ, और ये देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा उठाया है, ये देखो मशरूम जैसा लगता है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं चिरको कुकड़ी भाई। तो यहाँ पे जो है मेड़ के पास जो है काफ़ी ज़्यादा उठे पड़े हुए थे, ये देखो भाई काफ़ी छोटा छोटा होता है ये कुकड़ी। ठीक है, लेकिन इसकी स्वाद की बात करें तो भाई मुर्गा जैसा स्वाद है इसका। ठीक है, मुर्गा चिकन जैसा। ठीक, मशरूम आप लोग खाए होंगे, बिल्कुल मशरूम के जैसा ही इसका स्वाद लगता है। तो देखो बच्चे लोग पूरा टूट पड़े, बच्चे लोग इनकी स्वाद को जो है अच्छी तरीक़ा से पता है कि भाई इसका स्वाद तो भाई लाजवाब है, तो सब लोग जो है उठाने में लग गए। सब लोग अपने अपने नज़र फैलाए हुए हैं, कहाँ पुटू है, कहाँ कुकड़ी है करके। ठीक, अबे फोटो खींचू आवा। और फर्स्ट बारिश होती है तो पुटू कुकड़ी ये सब उठाते हैं। अभी पुटू जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हमारे इधर पुटू काफ़ी कम निकलते हैं। जैसे इधर यहाँ पे कुछ सरई का पेड़ है इधर, तो वहाँ जहाँ सरई का पेड़ होता है वहाँ पे जो है पुटू उगता है। हालांकि हमारे इस एरिया में जो है अभी पुटू जो है अभी निकले नहीं हुए हैं। तुमन कते उठावा हो? किसे नहीं सकता हो? अच्छा, माटी माटी उठाए हो लेकिन तो डाल करने दिसे। अच्छा, निमारी हो। हाँ, तो देखो भंचा का खुखड़ी में जो है थोड़ा ज़्यादा मिट्टी है, तो यहाँ पे जो है ये बच्चा सिर्फ सफाई करेंगे। जहाँ जंगल झाड़ हैं वहाँ पे जो है पुटू काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, तो मैं सोचा पुटू अभी सीज़न जो है पुटू वाला ब्लॉग जो है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम सोचे कि चलो कुछ पुटू से रिलेटेड, कुछ खुखड़ी से रिलेटेड कुछ ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और मैं जो है काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, एक्चुअली घर में जो है काफ़ी ज़्यादा काम थे तो उसमें बिजी था, और जब भी मैं बिजी होता हूँ तो ब्लॉग बनाने के लिए जो है मैं भूल जाता हूँ या नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो वही सिचुएशन अभी चल रहा है। हालाँकि घर का काम काज तो अभी खेती किसानी का दिन आ ही गया, तो काम तो इस सीज़न चलते रहेगा कहना चाहिए। तो हम इधर ही थोड़ा खेत तरफ टहलने वहलने आए हुए हैं इधर, तो बच्चे लोग जो है यहाँ पे ढेर ज़्यादा चिरको खुखड़ी उठा रहे थे, तो हम सोचे कि चलो आप लोग को दिखाते हैं कि चिरको खुखड़ी होता क्या है। तो चिरको खुखड़ी देखे आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, छोटी सी वीडियो था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक करना, और हमने चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।